डियोगो आर्मेंडो माराडोना एक लोह खिलाड़ी। माराडोना ने फुटबॉल का जो जोहर दुनिया को दिखाया वो मानव क्षमताओं के लिए चौंकाने वाला था। छोटा कद, शरीर का निचला हिस्सा औरों की तुलना में भारी, जांघों की मांसपेशियां किसी पेड़ के तने सी मजबूत, फुर्तीला बदन, शातिर दिमाग, तेज आंखें और एनिमल इंस्टिंक्ट जैसी चौकस मति वाला दुनिया ने ऐसा दूसरा खिलाड़ी नहीं देखा होगा। डियोगो माराडोना न केवल एक महान खिलाड़ी थे बल्कि उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था जिसने उन्हें 80 के दशक में दुनिया की आंख का तारा बना दिया। माराडोना लीग पर चलने वाली शख्सियत नहीं थे, उनका जीवन अनूठी कहानियों और अक्षम्य भूलों से भरा पड़ा है, लेकिन उन्होंने एंडीज की पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखरों जितनी ऊंचाइयां भी छुई है। हम इस वीडियो में केवल उस प्रतिभा की बात करेंगे जो उनके व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को मापेगी और उस आलोक का आनंद हम लेंगे जो आलोक वो फुटबॉल की दुनिया में बिखेर गए हैं। डियोगो आर्मेंडो माराडोना का जन्म लानूस ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में गरीब परिवार में 30 अक्टूबर 1960 को हुआ था। उनके पिता डॉन डियोगो के नाम से जाने जाते थे जो एक फैक्ट्री कर्मचारी थे और उनकी माता डोना टोटा एक गृहिणी थी। अपने 6 भाई बहनों में से माराडोना चौथे क्रम में आते हैं। 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ और इनके बाद इनके 2 भाई ह्योगो और एडुआर्डो जन्मे। वे दोनों भी पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बने। डियोगो माराडोना का पालन पोषण अर्जेंटीना के विया फियोरेतो में हुआ था। यह शेंटी टाउन है यानी झुग्गी बस्तियों से भरी रिहाइश। माराडोना के समय यहाँ बिजली और पानी की भी किल्लत थी। अभावों के संसार से निकलकर ये महान खिलाड़ी सामने आया। गुरबत ने उनको पाला और उनके शरीर में इस्पात भरा। शायद यही कारण था कि बाद में वैश्विक कीर्ति हासिल करने के बावजूद माराडोना में कभी उच्च वर्गीय आडंबर नहीं आया, ना उन्होंने एक विज्ञापन सजग छद्म चेहरा दुनिया के सामने रखने की कभी फिक्र की। वो भीतर से विया फियोरेतो के चहेते डियोगो ही बने रहे, जहां उन्हें स्नेह से एक पीबे दे ओरो यानी द गोल्डन बॉय कहा जाता है। डियोगो आर्मेंडो माराडोना का जन्म 30 अक्टूबर 1960 को हुआ था। उनका कद 5 फीट 5 इंच था और वे अटैकिंग मिडफील्डर और सेकेंड स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। 1980 के दशक में एक से एक प्रतिभाओं का उदय विश्व मंच पर हुआ था, लेकिन उस कड़ी में सबसे चमकीला अध्याय डियोगो माराडोना ने ही लिखा है। उनसे पहले ब्राजील के पेले को निर्विवाद रूप से फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता था। पेले ने 3 विश्व कप जीते थे और 1000 के करीब गोल दागे थे। शायद तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि कालांतर में उनकी प्रतिभा को म्लान करने वाला कोई फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया के सामने आएगा। वास्तव में माराडोना के बाद भी फुटबॉल की दुनिया में अनेक नक्षत्र पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता का चर्चा छिड़ने पर अपने द्वारा जीते गए खिताबों और दागे गए गोलों की तरफ इशारा किया है। लेकिन माराडोना ने फुटबॉल के मैदान पर जिस करिश्मे, उन्माद और भावोद्रेक को जन्म दिया है वह उनसे पहले और बाद में कभी नहीं देखा गया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे आत्मध्वंस के किसी अभियान में जुटे हुए हों। उनकी शख्सियत हमारे जहन में अनेकों आवारा ख्यालों को जन्म देने लगती है और हम बरबस ही सोचने लगते हैं कि खरे सोने से भले ही उच्च कोटि के गहने बनते हों, लेकिन आदमी जिस मिट्टी से बनता है वो तो अनगढ़ और सच्ची ही होती है। माराडोना भी कुछ ऐसी ही मिट्टी के बने थे। 8 बरस की उम्र में ही माराडोना नौजवान रंगरूटों को छकाकर गोल करने लगे थे। उनके प्रशिक्षकों को इससे अचरज होता था कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़का अपने से दोगुनी उम्र के खिलाड़ियों को कैसे मात दे पाता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में माराडोना ने स्वयं को फुटबॉल में प्रशिक्षित किया था उन्होंने उनकी प्रतिभा को तपाकर निखार दिया था और उनके शरीर को मजबूत सांचे में ढाल दिया था। बाद के सालों में यही शरीर दुनिया के तगड़े डिफेंडरों के निर्मम फाउल से भी नहीं डिगा। माराडोना पर जितने फाउल किए गए उतने किसी और फुटबॉल खिलाड़ी पर नहीं किए गए।
इस होनहार बिरबान को परख कर ही अर्जेंटीना की प्राइमेरा डिवीजन ने मैराडोना को हाथों हाथ ले लिया था। इससे पहले कि दुनिया को भनक लग पाती, वो अर्जेंटीनियोस जूनियर के लिए 100 गोल दाग चुके थे, जबकि तब तक वो बालिग भी नहीं हुए थे। इसके बाद वो अर्जेंटीना के चर्चित क्लब बोका जूनियर्स के लिए खेले और किंवदंतियों में शुमार, ला बोम्बोनेरा स्टेडियम उनके नाम से गूंजने लगा। मैराडोना फुटबॉल के मैदान पर तो जैसे रोमन ग्लैडिएटर बन जाते थे, वास्तव में उनका खेल जीवन कड़ी प्रतिद्वंदिताओं से भरा है और ऐसे लम्हों में उनका खेल और निखर जाता था। बोका जूनियर और रिवर प्लेट की प्रतिद्वंदिता जो सुपर क्लासिको कहलाती है, पूरी दुनिया में कुख्यात है। जब वो बार्सिलोना के लिए खेलने गए तो एल क्लासिको में रियल मैड्रिड से भिड़े। अर्जेंटीना और ब्राजील की प्रतिद्वंदिता पर तो पुस्तकें तक लिखी गई हैं। अर्जेंटीना और इंग्लैंड की प्रतिद्वंदिता भी 80 के दशक में अपने चरम पर थी। जब मैराडोना इटली के नेपली के लिए खेलने गए तो रोम से उन्होंने जमकर लोहा लिया। यह प्रतिद्वंदिता डर्बी डेल सोल कहलाती है। रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने मैराडोना से पहले बार्सिलोना के किसी खिलाड़ी को सलामी नहीं दी थी और उनके बाद केवल दो को ही दी है, रोनाल्डिनियो और इनिएस्ता। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी हैंड ऑफ गॉड की कटुता के बावजूद उनका लोहा मानते रहे हैं। विपक्षियों से भी बड़ा सम्मान पा लेना मैराडोना जैसी ऊंचे कद की प्रतिभा के ही बूते की बात है। और अब बात 1986 के चमत्कार। मैक्सिको में खेले गए 1986 के फुटबॉल विश्व कप की बात किए बिना मैराडोना की कहानी पूरी नहीं हो सकती। जब अर्जेंटीना ने अपने घर में 1978 का विश्व कप जीता था तो मैराडोना को कम उम्र का हवाला देकर टीम में शामिल नहीं किया गया था, जबकि वे एक साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में पदार्पण कर चुके थे। 1982 के विश्व कप तक वे टीम की धुरी बन चुके थे, लेकिन 1986 के विश्व कप में मैराडोना ने जो किया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के द्वारा दागे गए 14 गोलों में से 10 में उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई थी, 5 गोल और 5 असिस्ट। उन्होंने 90 ट्रिबल्स किए और दर्जनों फ्री किक जीती। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई आंधी उस साल मैक्सिको से जा भिड़ी थी। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध मैच 5 मिनट के फासले में फुटबॉल इतिहास के दो सबसे चर्चित गोल हैंड ऑफ गॉड और गोल ऑफ द सेंचुरी दागकर मैराडोना ने अपना नाम फुटबॉल की दंतकथाओं में लिखा दिया था। सेमीफाइनल में उन्होंने बेल्जियम के खिलाफ 2 और गोल किए। पश्चिम जर्मनी के खिलाफ खेले गए फाइनल में उन्होंने खोखे पुरुजागा को मिडफील्ड से एक बेहतरीन पास दिया जिस पर विजयी गोल दागा गया और अर्जेंटीना ने विश्व कप ट्रॉफी चूमी। खेलों की दुनिया में इससे पहले और इसके बाद में किसी और कप्तान ने इस दर्जे का एकल प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुनिया का सरताज नहीं बनाया था। यहाँ यह याद रखा जाना चाहिए कि फुटबॉल के इतिहास में 1986 का विश्व कप सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा वाला टूर्नामेंट था। उस समय दुनिया की अधिकतर शीर्ष टीमें अपने कौशल और प्रतिभा के उत्कर्ष पर थी। फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी तो तब खिताब की सबसे बड़ी दावेदार टीम मानी जा रही थी। भाग्य भी उस साल मैराडोना के साथ था, क्योंकि ब्राजील की टीम क्वार्टर फाइनल में फ्रांस से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। मैराडोना की ख्याति अर्जेंटीना के लिए किए गए चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण इतनी है कि यह अक्सर भुला दिया जाता है कि उन्होंने यूरोप के अनेक क्लबों के लिए भी यादगार खेल का प्रदर्शन किया था। जब मैराडोना बार्सिलोना से नेपली खेलने गए तो सेरिया इतावली लीग की इस मिड टेबल टीम को 5 खिताब जितवा दिए। इनमें 2 लीग टाइटल और 1 यूरोपियन ट्रॉफी शामिल थी। जब मैराडोना नेपल्स पहुंचे थे तो क्लब के प्रशंसकों ने कहा था, हमारा उद्धारक आ गया है, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। दक्षिण इटली के इस शहर में आज भी मैराडोना की लोकप्रियता की कोई माप नहीं है और नेपल्स की गलियों सड़कों में जहां तहां मैराडोना के पोस्टर्स और म्यूरल्स दिखाई दिए जाते हैं। मैराडोना ने नेपल्स को रोम और मिलान से आंख मिलाने की हिम्मत दी थी। खिलाड़ी मैच के पहले वार्म अप रूटीन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, किंतु मैराडोना का वार्म अप करने का तरीका भी सबसे जुदा था। वो थिरकते हुए गेंद के साथ अटखेलियां करते हुए यह कवायद करते और अक्सर अपने में इतने खो जाते कि जूतों के तस्में भी बांधना भूल जाते।
अब बातें मैराडोना के गोल्स की। मैराडोना ने अपने फुटबॉल करियर में कुल 490 क्लब मैच खेले, जिनमें उन्होंने 259 गोल किए। अर्जेंटीना के लिए उन्होंने 91 मैच खेले और 34 गोल दागे। उन्होंने 1976 से 1997 तक अर्जेंटीनियोस जूनियर्स, बोका जूनियर्स, बार्सिलोना, नेपली, सविया, नेविल्स, ओल्ड बॉय आदि क्लब का प्रतिनिधित्व किया था। सदी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। वर्ष 2000 में फीफा ने जब सदी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी को सम्मानित करने का निर्णय लिया, तो वह पेले और मैराडोना में से किसी एक को भी नहीं चुन सका। नतीजन दोनों को संयुक्त रूप से फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया गया। ऐसे असंख्य चमत्कार करने वाले फुटबॉलर 25 नवंबर 2020 को मात्र 60 साल की उम्र में, जो कि एक एथलीट के लिए बहुत कम होती है, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के टाइग्रे में अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से विदा हो गए। वे दुनिया से अवश्य विदा हुए, लेकिन वे आज भी जिंदा हैं फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में, उनकी यादों में, और हमेशा हर फुटबॉल प्रेमी का आदर्श बन के उनके जहन में। आपका दिनेश कुमार।